अगर आप भी एचपी का इंकजेट प्रिंटर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। हे गाइस, कैसे हो आप। मैं हूं रंजित कुमार और आप देख रहे हैं द प्लैनेट ऑफ रिव्यूज TPR, और मैं फिर से हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं अपने HP इंकजेट प्रिंटर के बारे में, जो कि 2135 उसका मॉडल नंबर है। और इसके बारे में यही बताना चाहूंगा कि मैं एक साल से ही यूज कर रहा हूं, और एक साल के यूज के बाद क्या कुछ मैंने इसमें पाया क्या कुछ इसमें अच्छा है और क्या कुछ इसमें बुरा है, सब कुछ इसमें मैं आपको बताऊंगा। क्या आपको ये प्रिंटर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसी का एक वीडियो मैंने पहले ही बनाया था, लेकिन उसमें थोड़े से कुछ प्रॉब्लम थे, जैसे कि उसमें बैकग्राउंड नॉइज़ जो था ज़्यादा था, उसमें म्यूजिक ज़्यादा हाई वॉल्यूम में हो गई थी, इसलिए काफ़ी लोगों ने इसमें कहा था मेरे को कमेंट करके कि बैकग्राउंड जो नॉइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा है। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ क्लियर बता दूंगा इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। ये है वो HP का डेस्कजेट इंक एडवांटेज 2135 प्रिंट स्कैन कॉपी मेरा प्रिंटर। मेनली ये 3-in-1 प्रिंटर है, प्रिंट स्कैन एंड कॉपी। आप इसमें प्रिंट भी कर सकते हैं, स्कैन भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका सारा कंट्रोल यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका जैसे कि ये कंट्रोल, ये कैंसिल बटन है, ये रिज्यूम बटन है, ये ब्लैक कलर करने के लिए, ये कॉपी करने के लिए और ये कलर करने के लिए। यहाँ से आपका हो जाता है पावर ऑन ऑफ। यहाँ पे दोनों इंडिकेटर, ये ब्लैक इंक के लिए, ये और कलर इंक के लिए। यहाँ पे आपका ट्रे है, देख सकते हैं यहाँ पे ट्रे है आपका A4 साइज पेपर डालने के लिए। और इधर जो है आपका स्कैन एरिया है, आप इसमें यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपका इंक कार्ट्रिज लगता है। अभी वो अंदर है, जैसे भी ऑन होगा तो सामने की ओर आ जाता है खुलने के बाद। ये कलर और ब्लैक दोनों में प्रिंट करता है। और इसके पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि एक पावर केबल होगा। ये देखिए, ये USB केबल जोड़ने के लिए, प्रिंटर आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप के लिए। और यहाँ पे जो है आपका पावर सॉकेट है, ये इंडिकेटिंग लाइट है जो कि आपको बताता है कि आपका जो प्रिंटर है वो पावर ऑन हो चुका है। चलिए, हमने एक छोटा सा ओवरव्यू देख लिया इसके फीचर्स के बारे में, अब सीधे हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, जो कि है एक साल के बाद इसका क्या कुछ आउटकम आया है, यानी क्या इसका रिजल्ट आया है, क्या इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला एडवांटेजेस के बारे में। पहला नंबर है वो है इसका प्रिंट क्वालिटी। तो जो प्रिंट क्वालिटी है, आप अभी इस पेपर को देख सकते हैं, इसमें आपको कैसा प्रिंट मिलता है, किस तरह का क्वालिटी मिलता है। अगर मेरे राय से कहा जाए तो इसका जो प्रिंट क्वालिटी है काफ़ी बेहतर है, अच्छा है। ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा वाव टाइप का कुछ इसमें है, लेकिन आपको ये अच्छा लगेगा इसका प्रिंट। अगर कार्ट्रिज की बात करें, ओरिजिनल कार्ट्रिज से आप करते हैं इसको प्रिंट, तो इसका जो क्वालिटी आएगा बेटर आएगा। और जब आपको आप इसे रिफ़िल करते हैं, मतलब आप प्रोडक्ट बहुत सारे हैं मार्केट में, ऑनलाइन मार्केट में या कहीं भी, आप कार्ट्रिज को रिफ़िल करके उसे कर सकते हैं, तो उसका जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। तो एक साल में मैंने देखा है कि इसका जो प्रिंटिंग क्वालिटी है काफ़ी बेहतर है, बहुत ज़्यादा आप नहीं कह सकते हैं कि पूरा बेस्ट क्वालिटी का है, लेकिन ठीक है, आप उसे यूज कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे अच्छी बात मुझे इस प्रिंटर की लगती है कि इसका जो फीचर है 3-in-1 यानी प्रिंट स्कैन एंड कॉपी काफ़ी यूजफुल है। आप प्रिंट भी कर सकते हैं, आप कॉपी भी कर सकते हैं किसी डॉक्यूमेंट को, और साथ ही आप स्कैन भी कर सकते हैं। मेरे केस में जो स्कैन का जो फीचर है वो काफ़ी यूज हुआ मेरे लिए। जैसे कि मैं ऑनलाइन फॉर्म अगर फिलअप करता हूँ तो कहीं बाहर मुझे एक साइबर कैफ़े नहीं जाना पड़ता, मैं घर पे ही स्कैन करके उसे कर लेता हूँ। तो ये भी एक अच्छा फीचर मुझे अभी तक लगा है। अगले चीज़ के बारे में बात करूँ तो वो है प्रिंट
कितने प्रिंट निकलते हैं इससे, एक कार्ट्रिज फुल कार्ट्रिज में कितने प्रिंट निकलते हैं। ये क्वेश्चन एक भाई ने भी पूछा था कमेंट करके कि कितने प्रिंट निकलते हैं। कंपनी के हिसाब से यहाँ पे 480 पेज ब्लैक में और 100 पेजेस कलर में अप्रॉक्स यहाँ बताया गया था, लेकिन मेरी राय में अगर कहूँ, मैं जब इसे यूज किया हूँ एक साल से, तो आपको 300 से 400 पेज सिंगल मतलब वन साइडेड आपको प्रिंट आराम से ब्लैक में मिल जाता है, और कलर में आपको 100 अप्रोक्स 100 उससे कम ही मिलेगा आपको, वन साइडेड आपको इसमें मिलता है, जो कि ठीक ठाक है। अगर आप ही होम यूज के लिए इसे यूज करते हैं इस प्रिंटर को, तो इतने पेजेस आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा मुझे लगा। अगली जो चीज़ है वो है इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और इसका साइज़। ये काफ़ी मुझे पसंद आया, क्योंकि आप इसे दिखता तो आपको कॉम्पैक्ट है और ऐसे देखने में आपको भारी लगता है, लेकिन जब आप इसे उठाएंगे तो ये काफ़ी लाइट वेट है, और साइज़ में भी बहुत कम होने के बाद आप इसे कहीं भी रख सकते हैं आराम से और यूज भी इसे कर सकते हैं। तो ये, और साथ ही साथ मैं बता दूँ कि इसका जो सेटअप करना है वो काफ़ी ईजी है। आप इसे कह सकते हैं कि प्लग एंड प्ले, मतलब आप इसे जैसे ही लगाएंगे, प्लग करेंगे अपने डेस्कटॉप में या लैपटॉप में, तो ये काफ़ी आराम से, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपका इंस्टॉलेशन चालू हो जाता है और जल्दी से ये सेटअप हो जाता है, तो ये कुछ आपको डरने की ज़रूरत नहीं। इसका जो अच्छा, सबसे अच्छा फीचर मुझे लगता है, जो मैं हमेशा यूज करता हूँ, वो है इसका OTG केबल, जो आपका फ़ोन सपोर्ट करता है, उससे भी आप इसे प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें USB केबल दिया हुआ है कनेक्शन के लिए, तो आप इसे मोबाइल से भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपको मोबाइल से कनेक्ट करके अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में फ़ाइल को ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ता है, आप सीधे सीधे फ़ोन से ही आप उसे प्रिंट ले सकते हैं। सबसे अब जो मेन फीचर है, मेन एडवांटेज है, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, वो है इसका इंक एडवांटेज, जैसे इसका नाम भी है। सो इंक एडवांटेज है क्या? आप जैसे कि बहुत दिन तक आप यूज़ नहीं करते हैं इंक कार्ट्रिज जो आपके लगा हुआ है प्रिंटर में, तो ये ड्राई नहीं होता है, और एक महीने क्या, दो महीने के बाद भी आप जब इसे यूज करेंगे तो भी आपका प्रिंट करेगा और अच्छा प्रिंट करेगा। तो ये एक अच्छा जो इसका फीचर है वो मुझे इस एक साल में काफ़ी अच्छा लगा। चलिए, हमने बात कर लिया एडवांटेजेस के बारे में, अब बात करते हैं कि इन एक साल में मैंने क्या क्या पाया कि इसमें कुछ अच्छा नहीं है या कुछ ऐसा काम चला हुआ है। तो चलिए डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला नंबर है इसका जो इंक कार्ट्रिज है, खासकर कलर वाला, कलर क्या, ब्लैक और कलर दोनों को ही ले लें तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। अगर मिडिल क्लास को लें, अगर खासकर मैं अपने बारे में बोलूँ तो काफ़ी महंगा पड़ता है। अगर 550 रुपये के करीब आपको ब्लैक इंक मिलता है, और जो कलर है वो 650 रुपये का मिलता है, तो भाई 550 650 रुपये कौन लगाएगा। इसका एक उपाय है कि आप इसे रिफ़िल कर सकते हैं। अब रिफ़िल करने के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, तो वो उसका जो कॉस्ट पड़ता है आपको 300 रुपये से भी कम पड़ता है, और एक बार वो किट खरीदने के बाद आप उसे 3 या 4 बार या उससे भी ज़्यादा आप उसे यूज कर सकते हैं। चलिए अगले डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं, वो है प्रिंटिंग स्पीड। अब प्रिंटिंग स्पीड के बारे में बात करें तो इसका इंकजेट का जो प्रिंटिंग स्पीड है काफ़ी स्लो है, काफ़ी स्लो मतलब बहुत ज़्यादा स्लो नहीं, लेकिन जब आप फोटो प्रिंट करते हैं खासकर कलर वाला, तो इसका स्पीड है वो नॉर्मल से भी क्या हो जाता है, बहुत ही स्लो हो जाता है। तो ये एक एडवांटेज, ये एक डिसएडवांटेज मुझे लगा है। एक अगर आप ज़्यादा पेजेस प्रिंट करते हैं एक साथ, जैसे मान लो 50 या 100, तो काफ़ी वेट करना पड़ता है आपको, कम से कम आपको हो सके तो 10 मिनट से लेकर 15 मिनट भी वेट करना पड़ सकता है। सो इसका जो प्रिंटिंग का जो स्पीड है वो काफ़ी मुझे स्लो लगा। और एक डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करूँ तो वो है इसका डुप्लेक्स प्रिंटिंग, मतलब कि आपको मैनुअली, अगर दोनों साइड आपको प्रिंट करना है तो आपको मैनुअली पेज को एक बार प्रिंट करने के बाद उसे पलट कर दूसरे में, मतलब दूसरे साइड आपको प्रिंट करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है कि आपका पेज ऐसा जाएगा और खुद ब खुद उल्टा होकर वो प्रिंट होकर आ जाएगा। तो ये भी एक कह सकते हैं कि इसमें फीचर नहीं दिया हुआ तो डिसएडवांटेजेस नहीं है, लेकिन मेरी राय में ये मैंने आपको गिना दिए। चलिए, तो मैंने आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज इस प्रिंटर के बारे में मैंने गिना दिए हैं। अब फाइनल कॉन्क्लूज़न के बारे में बात करते हैं कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं, या किसे लेना चाहिए। मेरी राय में ये प्रिंटर किसके लिए है और क्यों लेना चाहिए, ठीक है।
अगर आप होम यूज़र हैं, आपको सिर्फ घर में यूज करना है इसे, आपके पर्सनल यूज के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भाई बहन के लिए, आपके मम्मी पापा के लिए, तो ये प्रिंटर जो है वो बढ़िया रहेगा। लेकिन जो बिजनेस पर्पज़ से यूज करना चाहते हैं उनके लिए ये उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। आपको मैंने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस गिना दिए हैं, उसके हिसाब से अगर कोई भी आपको इंकजेट प्रिंटर लेना हो, HP का हो या किसी का भी हो, अगर मैंने HP का बता दिया, ठीक है, तो आप उसे इस वीडियो को, मतलब मैंने जो भी बताया है उसको समझ के आप ले सकते हैं। इंक एडवांटेजेस के बारे में आपको बता दें कि एक इंक एडवांटेजेस क्या होता है। सो मेरी राय में इंक एडवांटेज जो प्रिंटर है HP का, और जो भी लेटेस्ट होगा इसका 2135 से, उसे आप ले सकते हैं। इसका फीचर अच्छा है, इंक एडवांटेज होने के कारण इसका इंक ड्राई नहीं होता है। आप उसे कई एक महीने या दो महीने के बाद बिना यूज किए भी आप उसे यूज कर सकते हैं दोबारा। आप इस प्रिंटर को ले सकते हैं। ओवरऑल ये जो प्रिंटर है वो अच्छा है। सो गाइज, यहाँ मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। आपको कैसा लगा आप ज़रूर तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और कोई राय है, कोई एडवाइसेस है तो आप उसे बता सकते हैं। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड तो आप उसे भी कमेंट में कर सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उसका जवाब दूंगा। और हाँ, ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक लाता रहूँगा। जितने भी आप मेरे वीडियोस मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं आप उसे देख सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। टाटा, बाय बाय।